पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास से जनूबी अफ्रीका की SA20 लीग में चौका रोकता फील्डर टकरा गया, जिसके बायस वो गिर पड़ी। जैनब अब्बास दुनिया भर में मकबूल हैं, जिनकी शख्सियत से न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अफराद भी मुतासिर हैं। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप में बतौर प्रेजेंटर मदाहों का दिल जीतने वाली जैनब इन दिनों जनूबी अफ्रीका में मौजूद है। शेयर करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि बैटर ने जैसे ही बल्ला घुमाया तो गेंद हवा में उड़ती हुई बाउंड्री लाइन की जानिब भरने लगी। बाउंड्री पर खड़ी यूनिट कोर करती जैनब ने कहा कि गेंद सीधा हमारी जानिब आ रही है। ये अल्फाज अभी उनके मुंह में ही थे कि चौका रोकने के लिए आता फील्डर इनसे टकरा गया, जिसके बायस वो गिर पड़ी। गिरने के बाद फौरन उठते हुए जैनब ने साथी प्रेजेंटर से हैरियत दरियाफ्त की, ताहम उन्होंने संभल कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद अजा जैनब ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मैं बच तो गई हूँ लेकिन मैं ही जानती हूँ ये कैसा एहसास होता है। ख्याल रहे कि 10 जनवरी को जैनब ने ट्विटर पर ऐलान किया था वो क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की जानिब से होने वाली लीग के इब्तदाई सीजन की मेजबानी करेंगी। मजीद ये कि जैनब अब्बास लाहौर में डोमेस्टिक क्रिकेटर नासिर अब्बास और सियासतदान अंदलीब अब्बास के यहाँ पैदा हुई। उनके वालिद फैसल अब्बास और हाफिजा अब्बास की क्रिकेट टीमों में बॉलर के तौर पर खेले थे। दूसरी तरफ उनकी वालदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की सीनियर रुकन है, जो पंजाब से खवातीन के लिए महसूस नशिस्त पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुई और इन्हें वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए हारजा मुकर्रर किया गया। नवंबर 2019 में जैनब अब्बास ने लाहौर में हमजा कारदार से शादी की। हमजा साबिक वजीर खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर शाहिद हफीज कारदार के बेटे हैं, जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार के बेटे हैं। जैनब अब्बास ने बर्मिंगम की ऑस्टन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से मार्केटिंग और हिकमत अमली में MBA किया। जैनब अब्बास 2015 तक ने स्टूडियो के साथ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती रही। उसके बाद 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दुनिया न्यूज के एक शो में कौमी टीम के साबिक खिलाड़ियों सईद अजमल और इमरान नजीर के साथ बतौर मेहमान आने के लिए कामयाबी से ऑडिशन दिया, जो कि अपने करियर का आगाज बतौर क्रिकेट प्रेजेंटर और कमेंटेटर था। उसके बाद वो दुनिया न्यूज के नामा निगार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के 2016 के दौरे पर कवर करने के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ वो BBC के टेस्ट मैच स्पेशल में बतौर मेहमान नमूदार हुई। वापसी पर उन्होंने दुनिया न्यूज पर अपना शो क्रिकेट दीवानगी पेश करने का एक कुल वक्ती मुआयदा हासिल किया, जो उन्होंने 2016 से 2018 तक किया। जैनब अब्बास 2016 के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अबू धाबी T10 के पेश करने वालों में से एक रही। उन्होंने कुछ अरसे के लिए 10 स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स और सोनी के साथ भी काम किया। मई 2019 में जैनब अब्बास पाकिस्तान से ICC 2019 वर्ल्ड कप की कवरेज करने वाली पहली खातून स्पोर्ट्स रिपोर्टर और कमेंटेटर बन गई। जुलाई 2021 में जैनब अब्बास ने दी हॉन्ड्रेड के इफ्तिताही सीजन के लिए ब्रॉडकास्टिंग टीम के हिस्से के तौर पर स्काई स्पोर्ट्स पर अपना आगाज किया। इस तरह वो ऐसा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून प्रेजेंटर बनी। 2019 में जैनब अब्बास को पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स TV होस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। जुलाई 2020 में वो न्यूयॉर्क प्रेस एजेंसी के जरिए एशिया, UK, यूरोपीय यूनियन के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल रही।